साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। सबसे ज्यादा फलौदी में 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, बाड़मेर में 49.3 और बीकानेर में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। और अगर हम बात कर लें श्रीगंगानगर की, तो वहां पर भी पारा 45 डिग्री के पार है, यानी कि 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चुरू में भी तापमान हाई है, 48 डिग्री सेल्सियस है। पिलानी में भी 48.5 डिग्री सेल्सियस है। कोटा की बात करें तो 48.2 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 47.4 डिग्री सेल्सियस और राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज है। यानी कि सबसे ज्यादा फलौदी की बात करें और फलौदी में लगातार 3 दिन से तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। हालांकि कई सारी हिदायतें दी जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी और शासन प्रशासन के द्वारा भी तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको अपना ध्यान खुद रखना है। काम के लिए बाहर भी निकलना है तो पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते रहिए और सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं, खासकर विटामिन सी का इस्तेमाल करते रहिए। घर में अगर नींबू है या फिर आम या फिर इमली, उसमें जरूर डाल लीजिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर है, लावारिस शवों की